और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बाइक के बारे में जो इंडिया में आने से पहले ही धूम मचा रही है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों की रोजाना ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है KTM RC 125। जी हाँ, RC 125। कुछ ही महीनों पहले KTM ने अपनी ड्यूक 125 को भी लॉन्च किया था और उस बाइक को लेकर कंपनी को बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। इसलिए KTM ने अब यह इरादा बना लिया है कि वो इंडिया में अब RC 125 को लॉन्च करेगा। तो दोस्तों, जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एक फुली फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक का, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है KTM की तरफ से। और कुछ नए अपडेट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि RC 200 और RC 390 की इंस्पिरेशन लेकर RC 125 को डिजाइन किया गया है। और दोस्तों, ये कन्फर्म नहीं है कि एग्जॉस्ट आपको आउटर सरफेस में मिलेगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज की जो RC 125 है उनमें आपको बाहर की ओर एग्जॉस्ट मिलता है सेम RC 390 की तरह, लेकिन हो सकता है कि इंडिया में आपको अंडर बैले एग्जॉस्ट मिले, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो यही रहेगी कि एग्जॉस्ट आपको बाहर की ओर मिलेगा। और दोस्तों, कलर के टेक्सचर में भी चेंजेस किए गए हैं। अब टैंक पर भी आपको ऑरेंज कलर मिलेगा, जो बाइक को एक प्रीमियम लुक देगा। बाकी जो बाइक का ओवरऑल लुक्स और डिजाइन रहेगा वो आपको सेम ही मिलेगा। और दोस्तों, ये बात तो पक्की है कि अगर KTM RC 125 इंडिया में लॉन्च होगी तो यामाहा MT-15 R15 V3 की सेलिंग्स में बहुत ज्यादा डिक्रीजमेंट आएगा, क्योंकि KTM के लवर्स इंडिया में बहुत ज्यादा हैं और जो RC 200 नहीं ले पा रहे थे ज़्यादा प्राइस के कारण, तो वो लोग अब डेफिनेटली RC 125 तो लेंगे ही, इसलिए MT-15 अब थोड़े खतरे में है। दोस्तों, लॉन्च डेट के बारे में बात किया जाए तो उसकी कोई स्पेसिफिक डेट कंफर्म नहीं हुई है। 2 महीने बाद भी लॉन्च हो सकती है, जैसे यामाहा MT-15 आई थी, या तो 2019 के एंड में आएगी, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो यही रहेगी कि विदिन 2 मंथ्स में ये KTM शोरूम्स पर अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि पुणे के आसपास बहुत सारे लोगों ने इसकी टेस्ट राइड होते हुए देखा है और पिक्चर्स भी क्लिक की है। तो इससे तो यही पता चलता है कि KTM RC 125 बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में आने वाली है तहलका मचाने के लिए। दोस्तों, इसके इंजन के बारे में बात किया जाए तो सेम ड्यूक 125 की तरह ही इसमें आपको इंजन मिलेगा। 124.7 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व DOHC इंजन मिलेगा, जिसमें आपको 14.5 PS एट 9250 RPM का पावर मिलेगा और 12 Nm एट 8000 RPM का टॉर्क मिलेगा। और दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको इसकी एक इमेज दिखा दूंगा, जिसमें आपको इस बाइक की सारी स्पेसिफिकेशंस मिल जाएगी। दोस्तों, प्राइस के बारे में बात किया जाए तो इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो है 1,45,000। इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इससे कम तो नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों ये एक फुल्ली फेयर्ड बाइक है, इसलिए इसकी प्राइस KTM ड्यूक 125 से 10,000 से 15,000 रुपए ज्यादा महंगी होगी। बाकी दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि आप 1,45,000 की KTM RC 125 लोगे की नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी वीडियो में इस बाइक के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कर दो, उसको शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों की रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो अभी के लिए थैंक्स।